नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अम्बाला शहर के सुषमा स्वराज बस स्टैंड पर बम मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ये किसी की शरारत की गई है, जिसके चलते उन्हें यहां पर पहुंचना पड़ा और जांच के बाद पता चला है कि ये बम नकली था। किसी ने साबुन के टुकड़े पर कपड़ा लपेट कर इसे बम के रूप में प्रस्तुत किया और अपनी नकली आईडी से एक पत्र भी प्रशासन को भेज दिया। सुरक्षा के मद्देनजर किसी भी तरह का जोखिम न लेते हुए पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। आपको बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा में कई आतंकवादी पुलिस प्रशासन ने पकड़े, ऐसे में प्रशासन किसी भी अफवाह को हल्के में नहीं ले रहा है। अम्बाला से हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। भगवाना कोई सस्पेक्टेड बैग, उसमें कोई बम वगैरह हो सकता है। हमारी टीम आई, इसको चेक किया, इसमें कोई नकली आईडी लगा रहा। नकली आईडी क्या चीज? नकली आईडी कुछ भी बना लो आप, नकली डाटा नेटर मिल जाते हैं, वायर है, साबन का टुकड़ा लगा दिया, आईडी बना दी। ये मॉक ड्रिल तो नहीं थी? नहीं, मॉक ड्रिल। क्या था बैग के अंदर, क्या कुछ मिला? ये किसी ने शरारत की थी, इसमें कोई नकली आईडी लगा रखी है। नकली आईडी क्या है ये, थोड़ा विस्तार से बता दे। तो आपको मैंने जैसे कुछ नकली डाटा नेट होता है, वो एक्सप्लोज साबन का टुकड़ा लगा दिया है, कोई वायर लगा दी, उसके लिए बना रखे जी। तो ये कह सकते हैं क्या ये मॉक ड्रिल थी? बस मॉक ड्रिल के तौर पर लगा लो, कुछ भी लगा लो, किसी ने शरारत की, मारे को बुला लिया, कुछ भी है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।